हेलो, जय श्री कृष्ण का ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज की हमारी जो पिछली क्लास थी उसका एडवांस वर्जन की आज की नई क्लास है, जिसको अपन प्रोनाउन की क्लास कर रहे हैं। वो उन बच्चों के लिए भी थी जिसमें मैं यही था, इसको मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, ठीक है ना, जिसमें मैंने बताया कि हमारे पास जो रूलर टैक्स भी है जिसके पार्टिकल होते हैं टोटल इसके टाइप ऑफ पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं वो 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना। यानी प्रोनाउन को हम 10 भागों में बांट सकते हैं। आपने आज तक अगर साधारणता इंग्लिश का नॉलेज लिया है ग्रामर का, तो आपको पता होगा कि आपने ज्यादा से ज्यादा जिसको कितना नॉलेज लिया होगा, आपने लिया है सिर्फ पहले भाग का, यानी पर्सनल प्रोनाउन जो है ना उसको अपन कहते हैं पुरुष वाचन प्रोनाउन। आपके पास में साइबर साइन किसी का ज्ञान है ये पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन ध्यान रखे इसमें भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है ना, ये भी बहुत सारे रूल से बंधी हुई होती है। यूनिक कोई साधारणता इंग्लिश में छोटे छोटे नॉलेज के अकॉर्डिंग प्रोनाउन को क्लियर नहीं करते। एडवांस नॉलेज हमारे पास में हर चीज का होना चाहिए, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अगर आपके पास पहले से नॉलेज है तो उसको नया अपडेट कर सकते, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर क्या बात पसंद देती है, तो फर्स्ट पर्सन के अंदर देखिए, फर्स्ट पर्सन के अंदर आई वी और ऑब्जेक्ट होगा उसका मी और अस, और कोई सी केस होगा माई और और, ठीक है। और फिर आता है सेकंड पर्सन यू वी और थर्ड पर्सन, इसका है अगर सब्जेक्ट में तो ही सी इट और दे और हिम फॉर इट देम, ये इसका ऑब्जेक्ट है और कोई सी केस होगा हिज फॉर, ठीक है, हिज फॉर इट्स और देयर, ठीक है। इसको बोला कि कैसे जानना होगा मैंने आपको लेकिन जो बताए, ठीक है ना। जैसे मैं अभी भी बता सकता फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ये काम करने होना चाहिए। इसके बाद में क्या आता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वॉइस इन केस आई की माई यूएस और यू की और ई इज हियर आर इट इज दे देयर देयर, ये नॉलेज हमारे पास में होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद में कौन कौन सा ज्ञान होता है कि अपन इसका एडवांस करते, जैसे मैंने अभी आपको बताया इसको आप खुद ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर और प्लुरल इनको दो पार्ट के अंदर आप क्या करेंगे बांटेंगे, ठीक है ना। एक सिंगुलर है और दूसरा क्या है इसका प्लुरल, यानी कि सिंगुलर में क्या है जैसे फर्स्ट पर्सन और आई लिखा दिए सिंगुलर है इसका, फर्स्ट पर्सन वी लिखा दिए क्या है इसका प्लुरल है। तो आप इसका एक इंडेक्स वाइज और बनाइए सिंगुलर प्लुरल की, जिसमें आप पहले लिखिए फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लुरल, फिर सेकंड का सिंगुलर एस एल और पी एम, फिर जो थर्ड पर्सन उसका एस एल और पी एम, ऐसा मतलब सिंगुलर नंबर पी एम मतलब प्लुरल नंबर। तो इस प्रकार से आप इसे दो पार्ट करके इसके नीचे कौन कौन से सब्जेक्ट आ सकते हैं उन्हें आप क्या करेंगे बांटेंगे और एक नई इंडेक्स बनाएंगे। ये आकार मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको दिया है। अब अपन समझते हैं इसका जो नेक्स्ट अपना वर्ग है वो कौन सा है। नेक्स्ट वर्ग के अंदर इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, अपन क्या करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग इसका नॉलेज एक्वायर करेंगे। तो समझिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और पॉजिटिव केस क्या है। पहला टॉपिक हमारा क्या है रूल्स के अंदर, जो पहला रूल्स है वो हमें समझना है, इसका जो डिवाइडेशन करना है यानी कौन सी चीज कहां पर आती है। बात अगर सब्जेक्ट की आती है तो सब्जेक्ट होता है क्या आपको पता ही, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, और कर्ता क्या होता है तो प्राय वाक्य के कहां पर आएंगे, वाक्य के शुरू में आएंगे, कहां पर आएंगे वाक्य के शुरू में आएंगे, प्राय वाक्य के शुरू में आ जाएगा। तो सबसे पहले यही होगा किस और सब्जेक्ट से अपन स्टार्ट करेंगे, या फिर मान लो कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एच यू के जस्ट बाद में क्या आता है सब्जेक्ट आता है। तो कहने का मतलब वाक्य प्राय प्राय मतलब आप समझ सकते हैं कि 90% तक ये वाक्य के कहां पर आएंगे शुरू में आएंगे, ओके। और अगर प्रोनाउन अकॉर्डिंग बात करें तो दूसरा नंबर किसका आएगा ऑब्जेक्ट का। आज हमने यही पढ़ा है ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कर्म, ठीक है। तो कर्म कहां पे आता है कर्म यानी ऑब्जेक्ट। तो आपने समझा है कि सब्जेक्ट कहां होता है वाक्य के शुरू में, एच वी के या तो पहले या जस्ट बाद में, लेकिन बाद ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा। तो ऑब्जेक्ट कहां पर आता है विशेष ध्यान रखें, अगर वाक्य एक्शन वाला है एक्शन यानी उसके अंदर अगर एम वी डालेगी तो ध्यान रखना एम वी के जस्ट बाद में क्या आता है, एम वी के जस्ट बाद में
किसका प्रयोग होगा, इस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ठीक है ना। एमवी के जस्ट बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग। ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि एमवी है, एमवी के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। लेकिन उसका ये भी ध्यान रखना जरूरी थोड़ी है और आगे अगर एमवी आए, हाँ ज्यादातर जैसे टेंस फॉर्मेशन मिला के अपन बनाते हैं, अदरवाइज छोटी मोटी जो भी फॉर्मेशन अपन बना के बनाते हैं तो उसमें एमवी का यूज होता ही है। लेकिन अगर न भी हो तो भी ध्यान रखें सब्जेक्ट एच ही और उसके बाद में अगर एमवी है तो ठीक है, नहीं तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है पोजिशन केस, तीसरा नंबर किसका आता है, दूसरा और तीसरा नंबर आता है पोजिशन केस, ठीक है। पोजिशन केस क्या पोजिशन केस का हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ कभी अकेले नहीं आती, ठीक है ना। पोजिशन केस का क्या रूल होता है, पोजिशन केस यहाँ कभी अकेली नहीं आती, पोजिशन केस कभी भी अकेली नहीं आती। तो क्या आता पोजिशन केस के साथ में किसी न किसी चीज का आना जरूरी है, ठीक है ना। पोजिशन केस खुद कभी अकेले आती के अंदर नहीं आती, अर्थात इसके साथ में कोई ना कोई वस्तु, उसके साथ कोई ना कोई संज्ञा जरूर आती है। इसके साथ क्या है, इसके साथ कोई संज्ञा जुड़ी होती है, इसके साथ कोई संज्ञा जुड़ी होती है। ये इंपॉर्टेंट नोट से आप नोटबुक में लिख लेना, ठीक है ना। यानी जैसे आप ई का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन का इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इच का इस्तेमाल एकदम यूज नहीं कर सकते, इच है, हार है, इट्स है, योर है, माई है, ओवर है, देयर है, इन चीजों का इस्तेमाल आप खुले रूप में नहीं कर सकते, इनके साथ में कोई कोई चीज आएगी। अब देखिए मैं इसको देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल में तीनों चीजों को अपन क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। जैसे इज गोइंग फिज, फिर मैंने यहां पर खाली जगह, ठीक है। देखिए ही यानी कि क्या है, सब्जेक्ट है, और मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट वाक्य के प्राय यहां पर आता है शुरू में, ठीक है, और उसके बाद में आया एच, उसके बाद में क्या है एमवी, ये आप ये सोचे क्या एमवी, और एमवी के बाद में क्या है, एमवी के जस्ट बाद में आपने देखा है कि आ गया एमवी के बाद में आना तो चाहिए था किसको, ऑब्जेक्ट को। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह कौन सी चीज आई है, यहाँ पर आई है प्रोनाउन इंडेक्स। तो आप सोचे सॉरी प्रोनाउन इंडेक्स का पोजिशन केस, आप सोचेंगे कि ये जो पोजिशन केस आया है ये शायद आपका ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ये अकेला है तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसके साथ में एक चीज और आनी चाहिए, यानी कि कोई केस अब रीच क्या आगे में लगा रीच हो तब ये वाक्य बन गया अपना, क्या एज गोइंग टू इज हो इज गोइंग आने जाने में टू की डिफरेंट क्वेश्चन का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। तो ऐसा एक छोटा सा जो रूल्स है वो आप लोगों ने आज समझ लिया है। नेक्स्ट इसका वर्जन जो है जिसमें इसके और एडवांस रूल्स जो है वो आपको बताए जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें ध्यान रखना विशेष तौर से अपन समझेंगे इट वाले रूल, ठीक है ना, इट से जुड़ने वाले, एंड से जुड़ने वाले, ठीक है ना। इन रूल्स को अपन इसके अगला वाला जो वीडियो हमारा बनेगा उसमें अपन इसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंसेस को बनाएंगे, ठीक है ना, विशेष रूप से ध्यान रखना, ओके।